पूरा पूरा निश्चय होने के बाद ये बोला है कि कोई बच्चे बाबा का आखिर में हाथ छोड़ेंगे, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है? पूरा पूरा निश्चय किसको हो गया? अभी हर बच्चे को हो गया पूरा निश्चय। हर बच्चे को नहीं, छोड़ दो अपनी बात तो बता दो सभा के सामने। ये तो हो गया पूरा निश्चय, मैं बोलता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह हो रही है। अरे हर बच्चे की बात छोड़ दो, पहले अपनी बात तो बताओ कि हमें 100% निश्चय हो गया। 100% निश्चय हो गया। अच्छा देखो 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 चैलेंज दे रहे हो सभा के सामने। ऐसी कौन सी बात होगी कि जिससे बाबा का हाथ छोड़ गया? ऐसी कौन सी बात, सब बातें तो ऐसी होती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ऐसी कौन सी बात रही नहीं दिमाग में, तो यही सोचते सन 98 में कंपिल में जो हुआ उसके बाद कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठ गए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बैठे ना, बहुत बड़ा रूप तो नहीं हुआ, फाइनल परीक्षा तो नहीं हुई है, द्वापर युगी शूटिंग के अंत का ही परीक्षा हुई ना, आधी परीक्षा हुई ना, और कलकत्ता में रविंद्र भाई जब जेल में गए तो उस समय कलकत्ता वालों की फाइनल परीक्षा हुई या अधूरी परीक्षा ही हुई थी? अधूरी परीक्षा हुई थी। उसमें यहाँ तक हो गया कि गांव वालों ने उनको मजबूर किया, तुम अपनी कन्या को आश्रम में से लाओ नहीं तो निकलो गांव से बाहर, और रोज पिटाई धुनाई और गाली गलौज, और सबने आकर के आश्रम में आना बंद कर दिया। तो क्या हुआ था उस समय, ऐसी क्या बात हो गई जो कलकत्ता आश्रम में सबने आना बंद कर दिया, एक महीने तक कोई आया भी नहीं? नहीं समझ में आया है? किसके डर के मारे है? पुलिस के डर के, और पुलिस घर में से निकाल करके ले जाएगी है? पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, जब तक कोर्ट फैसला न करे तब तक पुलिस ये नहीं कर सकती कि कोई को आश्रम में जाने से मना कर दे। पुलिस का डर नहीं था लोगों को, लोगों का डर था समाज का, लोक लाज का डर था, लोक लाज का भी नहीं, समाज के लोग जो विपरीत हो चुके थे, जो उनको मजबूर कर रहे थे कि तुमने जो कन्याएं सरेंडर की हुई है उनको वहां से वापस लाओ, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारे घर में आग, और आग लगा भी थी। तो ये तो बीच की परीक्षाएं हुई त्रैमासिक और छह माह, अभी फाइनल परीक्षा तो हुई ही नहीं है, और बंबई तो बहुत दूर है कलकत्ते से। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो बाबा ने झूठ बोला हुआ है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। अभी ऐसी कौन सी बात है जो समाज के सामने प्रत्यक्ष करने में, बाप को प्रत्यक्ष करने में तुम्हारे सामने बहुत बाधक आ रही है, हैं? अरे समाज को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अरे आपके समझाने से नहीं बैठता ना, तो कोई बात होगी ना जो आपके लिए विघ्न की दीवार खड़ी हुई है, आखिर आगे चल के बुद्धि में बैठेगा तो कौन सी ऐसी बात है जिसके आधार पर कोई की बुद्धि में बैठता नहीं? माने आगे चल के तमो प्रधानता कम हो जाएगी दुनिया में, तमो प्रधानता दुनिया में बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी है? हमारी प्योरिटी क्रॉस करेगी, अभी तक 70 साल में क्रॉस नहीं कर पाई, अब आगे क्रॉस कर जाएगी। तुम्हारी चाल चलन से उन्हें लगा, अभी 70 साल में चाल चलन नहीं सुधार पाई है? अच्छा तुम यज्ञ के आदमी नहीं थे, ये तो है इनका डब्बा गोल हो गया, इनको स्मृति नहीं आ रही हम यज्ञ के आदमी थे है?
अभी उतना ध्यान भी नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है ना, वही तो बात बताया कि कोई को तो ध्यान आ गया पक्का पक्का। हम भी यज्ञ के आदि में ब्रह्मा कुमार थे, ज्ञान नहीं था, भले ज्ञान नहीं था तो क्या हुआ, अभी तो ज्ञान है, अभी तो पक्का बुद्धि में बैठ जाना चाहिए ना। क्या क्या हम पहले भी ब्रह्मा कुमार थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार थे, और अभी भी है। और क्या है, सेंटर में जाना, हाँ ये किसने कहा ना जाओ, हाँ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी, ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि लोग जो हैं उनके कानों में अच्छी तरह भर दिया जाएगा कि ये लोग बुरे हैं, इनसे ज्यादा बुरा दुनिया में कोई नहीं है। ये माया अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा देगी तब लोग किस दृष्टि से देखेंगे। अभी तो फिर भी ससोपंज रहता है, आपकी बातें सुनते हैं तो उनको थोड़ा विश्वास हो जाता है, आपके नजदीक रहते हैं तो विश्वास हो जाता है, लेकिन कभी कभी अखबारों में, रेडियो में, टीवी में चारों तरफ से एक ही आवाज निकलती है तो उनका निश्चय उखड़ जाता है, कहते मां झूठा आदमी, सारे झूठे हो जाएंगे, सारे अखबार झूठे हो गए, सारे रेडियो चैनल झूठे हो गए, सारे टीवी चैनल झूठे हो गए। तो अभी मालूम है, लेकिन ये बात अंत में टिकी रहे क्या बुद्धि में कि एक ही सच्चा है और सारी दुनिया झूठी है, बोल कोई कुछ भी कहता रहे।